हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सीएस ऋतु। आज का वीडियो है कैनरा बैंक लिमिटेड पे। आज के इस वीडियो में कैनरा बैंक से रिलेटेड 3 लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम जानेंगे। पहला अपडेट है डिविडेंड से रिलेटेड। कैनरा बैंक अपने डिविडेंड के लिए फोकस में रहने वाला है। कमिंग वीक में डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आने वाली है। कमिंग वीक में हमारे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सो डैट हम डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड हों। कंपनी ने डिविडेंड के अमाउंट की वैल्यू रिड्यूस भी करी है, उसको स्प्लिट से एडजस्ट भी किया है। सो क्या है डिविडेंड की रिड्यूस वैल्यू, रिकॉर्ड डेट एक्स डेट क्या है, कब तक हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, पेमेंट कब तक होगी, इन डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके अलावा कैनरा बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ भी आ सकता है, इससे रिलेटेड कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट किया है, इसके बारे में भी हम वीडियो में जानेंगे। एंड थर्डली, कैनरा बैंक ने रिसेंटली ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 का फंड रेजिंग प्लान डिक्लेयर किया है, सो इसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहले कैनरा बैंक के डिविडेंड की बात करें। कैनरा बैंक ने डिविडेंड की वैल्यू को रिड्यूस किया है और ये अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है 17 मई की एक्सचेंज फाइलिंग में। इसके अलावा कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड भी कंपनी ने डिस्क्लोजर किए हैं। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 16.1 रुपी पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया था। ये डिविडेंड था 161% फेस वैल्यू का, जब स्टॉक की फेस वैल्यू ₹10 थी। जब स्टॉक में स्प्लिट हुआ था तो बहुत से लोगों का हमें क्वेश्चन भी आया था कि अब डिविडेंड की वैल्यू क्या होगी। इस पर कंपनी ने अब क्लैरिटी दे दी है, स्प्लिट से डिविडेंड की वैल्यू एडजस्ट होगी, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही होगा। अब क्योंकि कैनरा बैंक में 1:5 की रेशियो का सब डिविजन हो चुका है, स्टॉक का न्यू फेस वैल्यू ₹2 है, तो डिविडेंड का वैल्यू भी इसी हिसाब से एडजस्ट हो गया है। अब डिविडेंड का वैल्यू है ₹3.22 पर इक्विटी शेयर, जो कि पहले 16.1 रुपी पर इक्विटी शेयर था, लेकिन फेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो अभी भी 161% है ₹2 की फेस वैल्यू के हिसाब से। सो अब अगर कैनरा बैंक में आप इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्टेड हैं तो डिविडेंड आपको ₹3.22 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी पे करेगी। अब इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्स डेट क्या है, पेमेंट कब तक होगी, ये भी जान लेते हैं। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अनाउंस करी है मंडे 17 जून 2024। सो इस केस में कमिंग वीक में हमारे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर कमिंग वीक में हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर कमिंग वीक में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे, क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है। ये डिविडेंड अप्रूव होगा कंपनी के शेयर होल्डर्स के थ्रू कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग होनी है बैंक की 28 फरवरी 2024 को, और इस मीटिंग में ये डिविडेंड अप्रूव होने के बाद विद इन 30 डेज एलिजिबल शेयर होल्डर्स को पे हो जाएगा। इसके अलावा कैनरा बैंक ने अपनी सब्सिडरी से रिलेटेड भी डिस्क्लोजर किए हैं एक्सचेंज फाइलिंग में। कंपनी ने 31 मई 2024 की एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया है कि कंपनी अपनी एक सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ लाने वाली है। इस कंपनी का नाम है मेसर्स कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी की लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी पे। इस कंपनी का आईपीओ कैनरा बैंक लिमिटेड लेकर आना चाहती है, बट ये बहुत प्रिलिमिनरी डिस्क्लोजर है। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 14.5% का स्टेक डाइल्यूट करेगी कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, और इस आईपीओ को लाने के लिए कंपनी को बहुत से अप्रूवल्स लेने होंगे। कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी लेना होगा और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी लेना होगा। इस मैटर में जैसे ही और कोई डिस्क्लोजर होगा कंपनी की तरफ से, हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके अलावा इस आईपीओ का साइज क्या होगा, इस आईपीओ का टाइम क्या होगा और कैसे ये इशू लेकर आएगी कंपनी, इस पर अभी कंपनी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इस पर टाइम टू टाइम जैसे ही अनाउंसमेंट होगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। बट आईपीओ से रिलेटेड एक और अपडेट आया है। न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से पीएनबी बोर्ड ने 10% स्टेक डाइल्यूशन के लिए अपना अप्रूवल दे दिया है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। ये एक वेरीफाइड न्यूज है। इस न्यूज का अनाउंसमेंट पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में किया है एनएससीबीएसई को। 4 जून की एक्सचेंज फाइलिंग में पीएनबी ने अनाउंसमेंट किया है। पीएनबी ने इस एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि पीएनबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टेक सेल के लिए अपना अप्रूवल दे दिया है पीएनबी बैंक कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 10% का स्टेक डाइल्यूट करेगी। इस कंपनी में यानी कि कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कैनरा बैंक का 51% का स्टेक है, एचएसबीसी का 26% का स्टेक है और पीएनबी का 23% का स्टेक है, और इस स्टेक में से 10% डाइल्यूशन के लिए पीएनबी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा वीडियो कंक्लूड करने से पहले कैनरा बैंक के रिसेंटली अनाउंस फंड रेजिंग प्लान के बारे में भी जान लेते हैं। 31 मई की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया था कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अराउंड 8500 करोड़ का फंड रेज करेगी, कैपिटल रेज करेगी, और ये कैपिटल रेज होगा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू।
डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि टायर वन के बॉन्ड्स और टायर टू के बॉन्ड्स कंपनी इशू करेगी फंड्स को रेस करने के लिए। इस 8500 करोड़ में से कंपनी 4000 करोड़ रेस करेगी एडिशनल टायर वन बॉन्ड्स के थ्रू और 4500 करोड़ कंपनी रेस करेगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सब्जेक्ट टू नेसेसरी अप्रूवल्स टायर टू बॉन्ड्स के थ्रू। सो ये लेटेस्ट अपडेट है कैनरा बैंक से रिलेटेड। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।